हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेके आए हैं आपके लिए। इसके लिए भी सेम वही सब चाहिए हमें, कलर्स हैं वही सेम फेविक्रिल के फैब्रिक कलर्स, ब्लू कैप वाले, रबर पेन है, ब्रश चाहिए, पानी का कंटेनर चाहिए और वही क्लोथ। सेम हमने कल जैसे किया था वही प्रोसेस करेंगे हम। इसे पानी में डालेंगे, कपड़े को पानी में डाल के थोड़ी देर भिगो देंगे, उसके बाद में हम इसे निचोड़ लेंगे। हम आज नेक्स्ट जो करेंगे वो सर्किल वाला करेंगे। सर्किल हमें कैसे करना है वो मैं आपको आज बताऊंगी। देखिए, पूरा पहले अच्छे तरह से इसको कर दिया, सीधा निकाल लिया हमने। इसके बाद मैं इसको स्क्वायर में कर रही हूँ, इसको जैसे हम फोल्ड करते हैं, हैंकी को फोल्ड करते हैं, वैसे ही हमने इसको फोल्ड करना है। इस तरीके से तो इसका सेंटर पॉइंट निकल जाएगा। इस तरीके से हम इसको सेंटर पॉइंट को पकड़े रहना है और इसको पूरा ऐसे खोल लेना है। अच्छे से इसलिए खोलना है ताकि जब हम कलर करेंगे तो फिर वो अच्छे से चारों तरफ से कलर अच्छा सा आएगा। ठीक है, अब हमने इसको इस तरह से किया। अब हम वापस से रबर बैंड लेंगे। रबर बैंड को यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। ये हम छोटा या बड़ा सर्किल कितना भी ले सकते हैं, जितना हमें जरूरत होगी। एक लगा दिया रबर बैंड, अब हम थोड़ा सा गैप देखें। थोड़ा सा मैं गैप दे रही हूँ इस तरीके से। इसी तरह से हम सारे जितने हमें सर्कल चाहिएंगे वो हम लगाते चले जाएंगे। ऐसे मैं ऐसे ऐसे रबर बैंड लगाते चले जाएंगे। मैंने इस तरह से बांध लिया है, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया है पार्ट पे। ऐसे मैंने चार अपॉइंटमेंट बांध दिए हैं, ये अलग अलग, इसमें आप कम या ज्यादा अपने अकॉर्डिंग बांध सकते हैं। अब मैं कलर करने जा रही हूँ, वही सेम वही कलर को शेप करेंगे। फर्स्ट इसको डिप करेंगे, कलर सेम वही उसी टेक्निक से करेंगे, बस इसमें है कि ये सर्किल में आएगा। ब्रश को वॉश कर लेंगे। नेक्स्ट कलर लेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज याद रखिएगा कि बांधनी में हमेशा हम ब्राइट कलर्स यूज करते हैं। डल कलर्स होंगे तो वो आपकी बांधनी उतना कलरफुल नहीं दिखेगी। जितना ज्यादा ब्राइट कलर्स यूज करेंगे उतनी ही अट्रैक्टिव सी लगेगी। आप चाहे तो इससे दुपट्टा भी बना सकते हैं।
इसी तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स करके और वैसे ही सेम वही सेम वैसे ही करेंगे कि इसको सेमी ड्राई होगा और फिर ओपन करेंगे। पहले मैं सारे कलर्स कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे मैंने ये सारे अलग अलग डिफरेंट 4-5 कलर लिए हैं। अब मैं वापस से ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है, अब मैं इसको सेमी ड्राई होते ही मैं इसको ओपन कर रही हूँ। ओपन करते ही आप इसका जो डिजाइन है वो देखेंगे। वापस से उसी तरह से सीजर से हम कट करेंगे। रबर बैंड थोड़ा सा इजी पड़ता है, इसीलिए हम लोग रबर बैंड का यूज करते हैं। आप धागे को भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर निकल के आया है। इसे आप बिल्कुल अब अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे और सेम वही चीज मैं वही कहूंगी कि इसको आपको 7 दिन तक वॉश नहीं करना है। और जब भी कभी वॉश करना हो इसको, जब भी वॉश करें तो पहले हैंड वॉश करें, उसके बाद आप इसे मशीन वॉश करें और प्रेस करें, पहले आयरन कर लें। जब भी हम कोई चीज़ कलर करते हैं उसके बाद सूखने के बाद इसे एक बार अगर आयरन कर लेते हैं तो कलर अच्छी तरह आ जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।